हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की मैथ, जो कि हम लोग ऑलरेडी 3 लेक्चर में कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे पाठ 9 का, ठीक है। एक बच्ची का एसएमएस आया था कि सर त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है पाठ 9, उसमें जो परिभाषाएँ आती हैं सर एक एक नंबर में, वो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको सर समझा दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी कुछ परिभाषाएँ हमने पॉइंट आउट किया है, जो कि कई बार पेपर में आ चुके हैं आपके, ठीक है, बोर्ड पेपर में। जैसे क्षैतिज रेखा जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये क्या होती है, इसके कभी कभी खाली स्थान में आ जाता है या एक वाक्य में आ जाता है। दिष्ट रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। तीसरा है उन्नयन कोण या उन्नत कोण कहो, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। अगला है अवनमन कोण या औन्नत कोण कह सकते हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला आता है उन्नत कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है दोनों के बीच में, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हम चित्र के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। तो आपको बने रहना है लास्ट तक, ये बिल्कुल यकीन दिलाते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, अब डाउट आपको नहीं होने वाला है समझने के बाद, ठीक है। आपने पूरा सुन लिया तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए खैर एक एक चालू करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे पाठ का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसके पहले वाले 8 पाठ में आप देखेंगे त्रिकोणमिति है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि फार्मूले और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर उसको प्रूव करना सीखा है, सिद्ध करना सीखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालना सीखा है हमने। और इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, त्रिकोणमिति को एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल कहते हैं दैनिक जीवन जो हम लोगों के यूज होता है, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं यूजेस, वो हम लोग वहाँ एग्जाम्पल की है प्रैक्टिस और यहाँ यूजेस कर रहे हैं जो दैनिक जीवन में हमारे काम आती है, ठीक है, उसका हम लोग अनुप्रयोग देख रहे हैं। तो चलिए खैर इसमें कुछ परिभाषाएं होती हैं उनको देखते हैं। जैसे दिया गया क्षैतिज रेखा क्या होती है, ठीक है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, क्या होती है, भूमि के समांतर जाती है, वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। जैसे हमारी आँख से कह रहा था, आप अब बताओ आँख आपकी मान लो इस चित्र में देख रहे हो, तो आपकी आंख यहाँ है, ठीक है, अब इसके सामने सीधा जाना है आपको, ठीक है, समांतर यानी सीधा। अब आप बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे ये आंख है, ठीक है, आप बताओ ये आप इधर को देख रहे हो, इधर को देख रहे हो, ठीक है, तो बताओ ये सीधी हो गई, और अब यहाँ पे सीधा सीधा लिखा, हमारी आंख जो सीधे भूमि के, भूमि कहाँ है, नीचे है, ये भूमि है, बताओ ये पृथ्वी है, भूमि है, तो इसके समांतर कह रहा है, जो समांतर लाइन होगी इसके, अगर आंख इधर होता तो इधर को देखते, तो यही समांतर लाइन आएगी, चाहे आप इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, तो ये जो होगी आंख के सीधे भूमि के समांतर जो होगी, भूमि के समांतर, भूमि ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट है, अप डाउन तो होता नहीं भूमि, ठीक है, हम लोग ऐसे उल्टे तो है नहीं भाई, हम लोग सीधे खड़े देख रहे हैं, तो घूम कैसे है, ऐसे ऐसे तब तो हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, सही है ना। तो समांतर इसके समांतर बनाना है, असमांतर मतलब जहां तक जाए समान दूरी जाए, ठीक है, तो ये समांतर जो लाइन होगी आंख ऊपर होगी तो ये क्षैतिज रेखा होगी और ये भूमि होगी, ठीक है। अगर आंख नीचे है, ये देखो आंख नीचे है, ठीक, इसमें आंख नीचे है, तो लाइन कहाँ गई, ये सीधा जो धरती है यही भूमि ही क्षैतिज रेखा होगी, भूमि ही क्षैतिज रेखा होगा, भूमि भी है और वही क्षैतिज रेखा भी है, ठीक है, समझ गए। कुल मिला के समांतर, यानी जैसे भूमि मान लो आप इसे भूमि के पास ही खड़े हो, जैसे मैं खड़ा हूँ भूमि से थोड़ा सा ऊपर खड़ा हूँ, तो ये जो मेरा सीधा यहाँ से ऐसे से जाएगा सीधा उसके समांतर, ये समांतर रेखा होगी, यानी कि क्षैतिज रेखा, तो जो भूमि की सीधे समांतर होगी तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी, समझ गए। तो वही कह रहा, वह रेखा जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समांतर होकर जाती हुई क्षैतिज रेखा, तो ऊपर आँख है तो ऊपर वाली लाइन देखेंगे, नीचे आँख है तो नीचे सीधा देखेंगे, समझ गए, ओके। चलो आगे चलते हैं, दृष्ट रेखा क्या है, दृष्ट रेखा हमारी आँख से, हमारी आँख से, आँख देख लो भाई, आँख है, ये आँख बनी हुई है, ठीक है, हमारी आँख से उस वस्तु को, उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, छत पे कोई चीज़ रखी तो हम कुछ ऐसे देख रहे होंगे, तो ये हमारी आँख हुई और हम कुछ ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, एक ये हो गया, और एक क्या होता है, हम छत पे हम बैठे हैं और वस्तु नीचे है, जैसे सब्जी वाले नीचे आ जाते हैं तो भाई हम लोग नीचे देखते हैं, तो हमारी आँख ऊपर होती और हम ऐसे सब्जी वाले को देख रहे होते हैं, तो हमारी आँख और ये सीधे उस वस्तु को देख रहे हैं। एक होती है कि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं कोई चीज़ तो ऐसे देख रहे होते हैं, तो वही जिसे हम देख रहे होते हैं, जोड़ने वाली रेखा,
हमारी आंख और उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जो बीच की लाइन है कनेक्शन, वही तो क्या है, दिष्ट रेखा है। वाली रेखा उस वस्तु की दिष्ट रेखा कहलाएगी, उस वस्तु की क्या कहलाएगी, दिष्ट रेखा कहलाएगी। जैसे यहाँ पे हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर देखो, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई, मान लो यहाँ पर कुछ रखा हुआ, क्लियर है, हम इधर से देख रहे हैं इधर की ओर, तो क्या है, दिष्ट रेखा है। क्या है, क्योंकि हमारी आँख को और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दिष्ट रेखा हो गई, समझ गए। तो जो हमारी आंख को जिसे हम देख रहे हैं उस वस्तु के बीच जो लाइन मिलाएगी वो दिष्ट रेखा, समझ गए, ओके। चलो खैर आगे देखते हैं, उन्नयन कोण या उन्नत कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा फेमस उन्नयन कोण होता है या उन्नत कोण भी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। चलो उन्नत कोण, उन्नत का मतलब होता है वृद्धि करना, ग्रोथ करना, ऊपर की ओर जाना। नहीं कहते हैं खूब उन्नत करो फलो फूलो, हाँ, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ करो। अगर आपके पास आज 10 है तो कल 20-30 अंक तक जाओ, सही है ना। आपने इस बार पेपर में अपने 75 में से अगर 60 पाए तो अगली बार 65-70 लाओ, समझ रहे हो। तो वो क्या होता है, उन्नत कर रहे हो, उन्नत मतलब ऊपर की ओर। तो आप कहाँ होगे, नीचे होगे और ऊपर की ओर देख रहे हो। अभी हमने बताया ना, हम जैसे नीचे हैं और हम क्या देख रहे हैं, ऊपर कोई छत पर है, पतंग जैसे देखते हैं, पतंग जब उड़ाते हो तो हम लोग नीचे होते हैं, पतंग ऊपर होती, तो हम लोग देख रहे होते हैं। तो नीचे आँख हो और वस्तु ऊपर हो तो जो रेखा बनती है उन्नयन कोण आपकी होती है। क्या होती है, उन्नयन कोण। देखो ये आँख है, यहाँ पर हम लोग नीचे खड़े हैं और ये क्षैतिज रेखा है, नीचे पृथ्वी है और हम लोग ऊपर की ओर वस्तु को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये दिष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो ये कोण है, इसी को हम उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, उन्नयन, क्षैतिज रेखा और दिष्ट रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, दिष्ट रेखा क्षैतिज रेखा में तो आपका अवनमन कोण भी बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम नीचे हों और वस्तु हमारी आँख से ऊपर हो, हमारी दिष्ट रेखा से ऊपर हो, आँख से ऊपर हो और हम देख रहे हों। देखो जैसे परिभाषा में लिखा, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा, ये देखो क्षैतिज रेखा मिलाना के ऊपर हो, वो देखो क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु हो, ठीक है, उसे देखने के प्रक्रम में हमारी दिष्ट रेखा जिस कोण से, उसको देखने के चक्कर में हमारी आँख जिस कोण से यहाँ पे मुड़ती है, जितना एंगल यहाँ पे बनाती है, वही क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे, समझ गए। और दूसरा अवनमन कोण, अवनमन, अवनत मतलब होता है गिरावट होना, क्या गिरावट होना, यानी कि अब हम कहाँ होंगे, ऊपर होंगे, वस्तु नीचे होगी, हम छत पे होंगे और नीचे सब्जी वाले होंगे भाई, उनको हम देखेंगे। तो चलो देखो ऊपर चले गए हम, ये बैठे हैं और ये हमारी सीधी रेखा जो पृथ्वी के समांतर है भूमि की, वो क्षैतिज रेखा हो गई। और हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे ये सब्जी वाले यहाँ पर जा रहे हैं भाई, हाँ इसको हम देख रहे हैं, सही है, ये देखो नीचे देख रहे हैं। तो हमारी नज़र कैसे होगी, ये नीचे की ओर ऐसे होगी, तो क्या होगा, सीधा हम ऊपर हैं और वस्तु कहाँ है, नीचे है, तो ये डाउन हो रहा, क्या हो रहा है, डाउन हो रही हमारी नज़र। जब डाउन होगी तो अवनत होगा, क्या होगा, हमारी आँख अगर नीचे की ओर झुकी हुई है, डाउन है तो अवनत कोण, ऊपर की ओर है तो उन्नत कोण, उन्नयन कोण, समझ गए, यस, ये चीज़ हमारा होता है यहाँ पे। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बस इसकी परिभाषा जो लिखी है, यहाँ पे ऊपर लिखा है तो आप नीचे लिख दोगे, जब वस्तु आँख की क्षैतिज रेखा के नीचे हो और उसे देखने के प्रक्रम हमारी दिष्ट रेखा जिस कोण से ऊपर नहीं नीचे मुड़ जाती है, तो उसे अवनत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनत कोण, नीचे की ओर झुक जाते हैं, समझ गए, ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं अगला जो आता है, उन्नयन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में संबंध क्या होता है। तो आपको हम एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पे, ये वाला उन्नत कोण और अवनमन कोण को दोनों को मिला लेते हैं, ठीक, क्लियर है। चलो जैसे हमने बनाया भाई, ये क्या है, ऐसे है, तो ये तो हमारा उन, ये देखो अब हम यहाँ पे हैं, कहाँ हैं, अगर हम मान लो इसको मिलाते हैं, ठीक, तो ये क्या है, नीचे देखो यहाँ पे हमारी आँखें हैं, क्या है, यहाँ पे हमारी आँखें और हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा क्षैतिज रेखा हो गई और नीचे आ रहा है, ये तो ये अवनमन कोण है, ठीक है, एक उन्नयन बना लेते हैं। तो इसी को क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ लाइन खींच देते, ये देखो अब ये हमारा नीचे आँख यहाँ पे हो गई, एक आँख यहाँ, एक आँख यहाँ, एक बार हम यहाँ से देखें तो क्षैतिज रेखा हो गई और ये दिष्ट रेखा हुई थी। जो ऊपर की ओर कोण बन रहा है, ये हमारा ऊपर की ओर मतलब यहाँ पे नीचे से तीर ऊपर की ओर बनाओगे, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण है, क्या हो गया, उन्नयन कोण। और ये देखो हमारा जब यहाँ पे हम छत पे थे और नीचे की ओर देख रहे थे तो ये दिष्ट रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो ये हमारा नीचे की ओर तीर बनाओगे तो ये क्या हो गया,
अनमन कोण हो गया, क्या हो गया, अनमन कोण हो गया, समझ गए। ये उन्नयन हो गया, जब नीचे से ऊपर को देखेंगे तो उन्नयन, ऊपर से जब नीचे की ओर देखेंगे तो अनमन। अब ये दोनों का संबंध क्या होता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ नामांकन कर लेते हैं, चलो जैसे उसमें हमने कर रखा यस क्यू पी और आर। अब इसमें बात करें तो हमारा जो कोण है ये, अगर हम इसको ले लें क्या भाई, अनमन, अनमन ले ले या उन्नयन ले ले, ठीक है, उन्नयन में क्या क्यू पी आर हमारा है, उन्नयन में क्या है क्यू पी आर, ठीक, हमने लिया क्यू पी आर, उन्नयन को लिया है। अब अनमन ले लो यस क्यू पी, क्या हो जाएगा यस क्यू पी, ये अनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, ये दोनों का संबंध क्या होता है बराबर का होता है, ये हमेशा बराबर होते हैं बशर्ते दिष्ट रेखा एक ही होनी चाहिए, दिष्ट रेखा दोनों की एक होनी चाहिए, जब एक होगी तो हमेशा अनमन कोण उन्नयन कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, क्लियर है यस। कैसे बराबर होगी, यहाँ पे देखो एक संरचना बन रही जेड जैसे बन रही, क्या बन रही जेड जैसे बन रही है, और आपको पता है जब जेड बन रहा तो दोनों क्या है समांतर रेखा है, क्या है समांतर रेखा, असमांतर रेखा में जब ये एक लाइन मिला रही है तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे एकांतर कोण कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे एकांतर कोण। और आपने जियोमेट्री में यानी कि कह सकते हो बीजगणित में आपने पढ़ा होगा ये कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनको मिलाने वाली रेखा जो है उनके जो बनते हैं कोण वो एकांतर कोण और आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते, इसीलिए आपका ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होंगे, समझ गए। तो आपको आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना, नहीं कुछ रह भी गया तो आप इसको दोबारा देखिए फिर से समझिए, अब फिर भी समझते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ये लेक्चर 4 है, जो ये 4 पार्ट है, कल 5 पे हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। और आप अपनी राय जरूर रखा करें कमेंट बॉक्स में, किस टॉपिक पर आप और वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे, ठीक है। तो खैर इसमें सवाल थे, ये आपकी परिभाषाएँ थी मेन मेन हमने आपको बता दी, और भी इसमें जो परिभाषाएँ होंगी तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे और इसके सवाल भी कराएंगे जो 2022 में आए हुए हैं, 2023 में आए हैं, 2019 में, यानी 20 21 22 23 लगभग 2-3 साल का हम लोग करेंगे, ताकि आइडिया लग जाए आता कैसे पेपर है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, दोस्तों तक भी बता सकते हैं, उनको भी भेज सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए खैर इसमें इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।